रीटा अपने काम से घर जा रही थी। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। रीटा काफी देर तक ट्रेन स्टेशन पर बैठी थी। वहां पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वहां पर एक ट्रेन आ जाती है और रीटा उस ट्रेन में बैठ जाती है। उस ट्रेन पर भी रीटा के अलावा और कोई भी नहीं था। वो ट्रेन पूरी खाली थी, इसलिए रीटा को थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ ही देर बाद उस ट्रेन के लाइट फिक्चर्स ऑन ऑफ होने लग गए। ये सब देखकर रीटा काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसने टैक्सी से ही घर जाना सही समझा और वे टैक्सी से सफ़र करने लग गई। उसके बाद रीटा ने अपने साथ जो कुछ भी ट्रेन में हुआ था वो सब उसने उस टैक्सी ड्राइवर को बताया। रीटा की ये बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा और हंसते हंसते वो अचानक हवा में ही गायब हो गया। ये सब देखकर रीटा पूरी तरह से डर गई। अब उस टैक्सी को कोई भी ड्राइव नहीं कर रहा था, वो टैक्सी अपने आप ही चल रही थी। अभी वो टैक्सी पानी में गिरने ही वाली थी तभी रीटा की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को अपने बेडरूम में बेड पर बैठी देखती है और उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। रीटा ने अपनी माँ को देखकर कहा कि माँ, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। रीटा की इस बात पर माँ ने कहा, तुम डरो मत बेटा, ट्रेन में लाइट फ्लिचर और टैक्सी ड्राइवर कभी गायब नहीं होते। चलो अब तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। कुछ देर बाद रीटा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। एक मिनट, माँ को मेरे सपने के बारे में कैसे पता?